हेलो फ्रेंड्स, मैं नम्रता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल नम्स कॉर्नर पे। तो फ्रेंड्स, सभी को पता है होली का त्यौहार आने वाला है। अब आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोलना पड़ेगा कि नहीं, मैं रंग नहीं खेलूँगी या रंग नहीं खेलूँगा, मेरी स्किन ख़राब हो जाती है, जलने लगती है। आज हम आपके लिए कुछ ऐसे टिप्स लेके आए हैं जो आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो आपके लिए ये त्यौहार एक यादगार फेस्टिवल बन जाएगा। कोई भी जो प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है। अलग अलग स्किन के लिए अलग अलग टिप्स हैं आज इस वीडियो में, तो एंड तक ज़रूर देखें। तो टिप नंबर 1 है ड्राई स्किन वालों के लिए। ड्राई स्किन में अधिकतर ये देखा गया है कि उसमें जो रंग से उन लोगों को बहुत ही जल्दी इचिंग होने लगती है, खुजली होने लगती है, जलन सी रहती है। तो आपको बस इतना करना है कि आप सबसे पहले सिंपल वाटर से अपने रंग को साफ करना है, फिर आपको दही से अपने बॉडी पर मसाज करना है, जहाँ जहाँ भी रंग लगा हुआ है। आप जब दही से मसाज हल्के हाथ से करेंगे तो उम्मीद है कि ये रंग को आसानी से साफ कर देगी और आपको कोई जलन भी नहीं होगी। दही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। उससे स्किन हाइड्रेटेड रहती है, उस पर एक लेयर बन जाती है, क्रीमी लेयर बन जाती है। अब बात करते हैं ऑयली स्किन वालों के लिए। ऑयली स्किन के भी अपने अलग फ़ायदे हैं, नुकसान हैं। उन लोगों को रंग में ऐसे स्किन वालों के लिए रंग खेलना बहुत ही ज़्यादा जो है मुश्किल होता है। उन लोगों के स्किन में रंग चिपक जाता है क्योंकि उन लोगों के फेस पे ऑयल ज़्यादा होता है। ऐसे में आपको ये करना है कि आपको भी सिंपल वाटर से अपने रंग को साफ़ करना है, फिर आपको नींबू और बेसन का पेस्ट बना के अपनी बॉडी में लगा लेना है, फिर हल्के हाथ से रब करना है। इससे आपकी स्किन साफ हो, इससे आपका रंग साफ हो जाएगा और आपकी जो ऑयली स्किन है उसको बैलेंस कर देगा। अब बात करते हैं सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन के लिए रंग खेलना और भी ज़्यादा डेंजर हो जाता है क्योंकि सेंसिटिव स्किन वालों के लिए छोटी छोटी बात पे उन लोगों की स्किन में दाने निकलने लगते हैं। उन लोगों की स्किन बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। उन लोगों को बस इतना करना है, मुल्तानी मिट्टी, चंदन, गुलाब जल मिक्स करके पेस्ट बना लें। आपको भी यही फॉलो करना है कि आप पहले सिंपल वाटर से अपने रंग को साफ कर लें, फिर उसके बाद आप इस पेस्ट को अच्छे से लगाएं, रब करें और आपका रंग आसानी से निकल जाएगा। सेंसिटिव स्किन थोड़ी सी अलग होती है, इसका ख्याल भी अलग से रखना पड़ता है। अब बात करते हैं ऑल स्किन टाइप। जो ये टिप ऐसी है जो सभी स्किन पे यूज़ हो जाएगी। दालें, दालें एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो हर स्किन के लिए फ़ायदेमंद होता है। आपके पास कोई भी दाल हो, मसूर की दाल अगर है लाल वाली, तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। आपको इतना करना है कि रात में भिगो के रख दें, सुबह इसका पेस्ट बना लें और इससे रब करके अपना रंग साफ कर सकते हैं। काफ़ी हद तक मदद आपको ज़रूर मिलेगी। अब बात करते हैं एक ऐसे ऑयल की जिसको लगा के आपको रंग आपकी स्किन में आएगा ही नहीं, चढ़ेगा ही नहीं, वो बस इस लेयर के ऊपर ही रहेगा। और बालों की अगर बात करें तो आप होली के एक रात पहले ही जॉनसन बेबी ऑयल से अपने हेड मसाज, बालों में ऑयलिंग और अपनी बॉडी पे मसाज भी कर सकते हैं। बालों के भी होली पे अपने अलग नुकसान होते हैं। बाल ड्राई होने लगते हैं, स्कैल्प में इचिंग होने लगती है। आपको बस इस
बेबी ऑयल से रात में हेड मसाज देनी है। बालों में भी अच्छे से ऑयलिंग आपको इसी से ही करनी है, क्योंकि ये तेल सभी को पता है बेबी ऑयल है, क्लिनिकली प्रूफ्ड है कि इससे कोई एलर्जी नहीं होगी। आप जब दूसरे दिन रंग खेलेंगे तो आपकी स्कैल्प पे कोई रंग एलर्जी नहीं करेगा, इन्फेक्टेड जो है आपकी स्कैल्प बिल्कुल भी नहीं होगी, आपके बाल खराब नहीं होंगे। बस आपको इससे मसाज अच्छे से करनी है और अपनी बॉडी पर भी आप इससे मसाज कर सकते हैं। अमूमन लोग कहते हैं कि सरसों का तेल लगाएं, लेकिन सभी को पता है गर्मी का मौसम है, सरसों का तेल भी गर्म ही होता है। ऐसे में आप उसको अगर लगाएंगे तो हो सकता है होली पे आपको उससे एलर्जी हो जाए, दाने निकल आए या स्किन इन्फेक्शन होने लगे, तो आप बेबी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा सोर्स होता है स्किन के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये टिप्स अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।